हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रिंस और सिंपल समाटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगा हूँ एक टीवी को सेटअप बॉक्स से कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए देरी बिना, आपका समय बिना बर्बाद करते हुए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें कि आपका किसी तरह का भी कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूर करें। दोस्तों, मेरे पास एक कॉम्पो की एक टीवी है, जनरल टीवी है, सिंपल टीवी है। इसको मैं अभी ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन हो चुका है और इसमें अभी है HDMI का ऑप्शन। चलिए हम टीवी के अंदर देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हैं और क्या क्या है इसमें इनपुट और आउटपुट हैं। दोस्तों, पहले देख लें तो हमारे पास साइड में इसका की है जो जिसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और नीचे की तरफ चलते हैं हम लोग तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, पहले है ईयरफोन जो ऑडियो आउट है, और दूसरा है वीडियो AV इन जिसमें वीडियो एक है और दो वाले जो हैं वो लेफ्ट राइट ऑडियो का ऑडियो है। और दूसरा, ये तीसरा पॉइंट है AV 2, इसमें दो AV का कनेक्शन है, आप इसमें दो AV सोर्स दे सकते हैं। इसमें भी वीडियो एक है और लेफ्ट और राइट ऑडियो है, HDMI इनपुट है और VGA केबल भी इनपुट है और VGA ऑडियो इन है। जो PC की कनेक्शन होती है वो VGA इनपुट आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस साइड ये है और दूसरे दोस्तों इस साइड की बात करें तो हमारे पास एक USB की इनपुट है जो 5 वोल्ट और 5.5 एम्पियर का है, और एंटीना का एक कनेक्शन है जो कि इस्तेमाल में हम नहीं लेते हैं। और इधर तो आपको मैं दिखा ही दिया हूँ ये सारे पोर्ट्स के बारे में। अब चलिए हम इसको बताता हूँ आप एक रिसीवर से इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, DD 3D से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास इसमें आपको एक रिसीवर चाहिए, उसमें AV कोड चाहिए, और इस TV के लिए आपको रिमोट होना चाहिए जो कि आप इसका जो मूड है वो चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये जो TV है वो HDMI मूड में है, हमें चलाना है DD 3D, तो हमें करना पड़ेगा पहले AV 1 में हम करते हैं, और AV 1 जो है वो आ गया। अब इसको ओके कर देंगे, AV 1 सिलेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इसके पोर्ट्स की तरफ, AV कनेक्शन की तरफ, और आपको मैं करके दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी मेरे पास ये DD 3D है और इसका जो पिन्स है आप देख सकते हैं LNB, ये DD 3D ही है, इसमें LNB इन है और LNB आउट और AV की कनेक्शन, और ये मेन लीड हो गया। और इधर आते हैं तो आप नॉर्मल सा वाला देख सकते हैं, ये DD 3D है जो की है, और ये LCD ये बोलते हैं इसका डिस्प्ले है। और मेरे पास एक AV कोड, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, ये AV कोड को ओपन करता ही, ये नया AV कोड सेटमी कंपनी का है जो कि अच्छा क्वालिटी में है। इसको जो है हमें पहले कलर देख के आपको मिला देना है। यहाँ पे हो गया ये वीडियो, और ये ऑडियो का कनेक्शन हो गया, और ये हो गया हमारा ऑडियो, ये राइट है और लेफ्ट है, रेड वाला लेफ्ट है और वाइट वाला जो है वो राइट साइड का है। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, ये जो है ये हमारा लगेगा TV में, और इसको कनेक्ट करने के लिए सिग्नल के लिए आपको एक DTS ये सिग्नल वाली केबल भी होनी चाहिए, मतलब डिश तो बेसिकली होगा, तो उसमें जो है आपको ये कनेक्ट कर देना है। इसको जो है आप इसे सावधानी से ऐसा पकड़ के आप इसे फिटिंग कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। दोस्तों सेटअप बॉक्स की कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम सेटअप बॉक्स में, पहले AC सप्लाई जो है दे रहा हूँ मैं, आप भी दे दें। मैंने जो है सप्लाई दे दिया, आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया, और यहाँ पे भी पिंस आप सारे देख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने TV स्क्रीन की तरफ, TV के AV इन में दिखाता हूँ आपको कैसे इन करना है। दोस्तों, TV को हमने ऑलरेडी मैंने AV 1 में किया है, तो मैं अभी जो है इसका कनेक्शन जो है AV 1 में करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं पहले वीडियो है, फिर ऑडियो, दोनों ऑडियो की वायर है लेफ्ट और राइट। चलिए वीडियो वाले कलर में, कलर देख के हमें मिलाना है, पीला को पीला में और रेड को रेड में और वाइट। दोस्तों, अब आते हैं AV कनेक्शन में, तो आप देख सकते हैं ये पहले वाला पीला कलर का जो है ये वाला AV 1 है, तो पहले पीला वाला जो है पीला में इन करना है। आप देख सकते हैं पीला वाला पीला में, वाइट वाला जो है वो वाइट में कर देना है, ऑडियो भी आ गया, और ये जो है वो राइट में कर देना है। आप
देख सकते हैं दोस्तों, टीवी जो है वो चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं इसी सेटअप बॉक्स से। और ये रहा रिसीवर, ये केबल जो है वो आते हुए ये डिश में, डीडी फ्री डिश में। और यहाँ पे रिसीवर भी, टीवी भी आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन, और ये रहा रिसीवर। चलिए मैं दोनों को कंबाइन करके आपको दिखा रहा हूँ कि इसी से कनेक्ट है, ताकि कोई फेक वीडियो ना बोले। दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो 41 नंबर चैनल है इसको मैं चेंज किया 42, यहाँ पे भी देख सकते हैं 42। दोस्तों इसी तरह आप किसी भी सेटअप बॉक्स को अपने टीवी से, एलईडी टीवी या सीआरटी टीवी से कलर वाइज देखकर आप अपने सेटअप बॉक्स को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और डिश का केबल भी फिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी तरह का भी कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर, बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।